प्रिंस भाई जी, आप इसमें क्या देख रहे हो जड़ में? यार ये जड़ में पिंक रूट रहता है ना, पिंक रूट बीमारी। अभी आपको दिखाऊं कैसी होती है पिंक रूट, इसको बताओ। इसमें है नहीं है पिंक रूट, मैं दिखाता हूँ आपको पिंक रूट इसमें कहाँ पे। ये इसमें क्या है खासियत? ये दिख रहा है, ये जड़ दिख रही है गुलाबी, ये पिंक रूट देखो, ये जड़ में आई है। अब ये देखो इसमें एकदम क्लियर दिख रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये जड़ सड़ गई है, अब इसको तोड़ोगे ना, देखो अभी सड़ना शुरू हो गया, इसको तोड़ोगे ना, अभी तो ये चलो बची हुई है। ये वाली देखो, ये जो जड़ है ना, ये देखो जो गुलाबी हुई है, ये वाली गुलाबी हुई है, देखो अब इसको ये सड़ जाती है, जड़ गुलाबी होगी ना, इसको खींचोगे देखो ये सड़ जाएगी, निकल जाएगी पूरी। अच्छा तो ये तरीके का, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है प्याज की। देखिए प्याज का दाना तो बढ़िया है इसका यार। हाँ तो यहाँ की मिट्टी में कम आई है ना। अच्छा मैं गुड़गांव का दिखाऊंगा आपको, देखना जड़ ही नहीं बची है। ये देखिए प्याज का साइज, जिसमें हम चेक कर रहे हैं इसकी जड़, चेक कर रहे हैं पिंक रूट का, जो एक बीमारी है, लेकिन यहाँ पे अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में बहुत कम आई हुई है। हेलो, तो यहाँ पे लगी है करीब करीब 15 तरीके की प्याज। ये रग ब्रीड का प्याज है। ये देखिए साइज के आकार से, ये जड़ दिख रही है गुलाबी, अब देखो ये सड़ गई है, देखो ये गुलाबी, देखो ना ये सड़ गई है, यहाँ बहुत कम है। तो मतलब अभी उत्तराखंड में कम आई है, हल्द्वानी एरिया में, हल्द्वानी में कम आती है, आती है भी साल में, वैसे भी कम आती है। तो किस में आती है? रेतीली मिट्टी में ज़्यादा आती है। एरिया राजस्थान वगैरह हो गया, गुड़गांव का जो एरिया हो गया। तो इसका इलाज है कुछ? कोई इलाज नहीं, इसका इलाज यही है शुरू में माइकोराइजा, ह्यूमिक एसिड से चखाओ, माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड, मतलब मिट्टी डेवलपमेंट के लिए। हाँ और मिट्टी संशोधित करनी है, मिट्टी तो उसमें दूसरा सबसे सहज उपाय ये है कि जिस खेत में आ रहा है ना उसको रोटेट कर दो, उसमें प्याज मत लगाओ दो तीन साल। अच्छा, 3 साल तक तो मत ही लगाओ। ये हल्द्वानी में जो प्याज का साइज आता है ना, सिर्फ प्याज ही नहीं, प्याज कोई भी कंद वाली फसल जो भी है ना, चाहे लहसुन हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, हल्द्वानी में जो प्याज होता है, जितना गणना की जाती है कि इतना होगा, जैसे 250 क्विंटल एकड़ का, तो यहाँ पर होती है इससे ज़्यादा होती है? होती है, उससे ज़्यादा भी होती है, कुछ का कम भी रह जाता है। और यहाँ के प्याज में और दूसरे स्टेट के प्याज में अंतर क्या है? यहाँ अच्छी होती है, यहाँ हैवी सॉइल के अपेक्षा, जैसे जैसा कि यहाँ हैवी सॉइल है ना, उस हिसाब से यहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। हैवी सॉइल में जनरली मतलब इतना प्रोडक्शन आता नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छा आता है।